हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए नेवी MRSSR और AA के लिए GK रैपिड फायर का एक और पार्ट, पार्ट नंबर 43। इसमें जैसा कि हम लोग करते हैं 15 क्वेश्चन 10 मिनट्स में, और आज के लिए भी मैंने आपका एम रखा है 10 क्वेश्चंस का। तो आई होप कि 10 करेंगे और इससे बेटर ही आप करेंगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या था और आप कहाँ से हैं। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ आप अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक भी ले सकते हैं, दोनों ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, 601 नंबर से हमें शुरू करना था क्योंकि इससे पहले हम 600 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 601। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रपोजल टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत यानी इंडिया, जर्मनी, इटली और साउथ अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ अफ्रीका। भारत के संविधान में जो है वो संशोधन का प्रस्ताव साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। द प्रपोजल टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, या फिर सभी चीज़ों को बोला जाए तो किसी न किसी देश से कॉपी ही किया गया है, यही बोल सकते हैं, लिया ही गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं क्या था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें ली गई हैं दूसरे देशों से, कुछ भी नया नहीं। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? यहाँ पे ग्रह थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो विच ऑफ द फॉलोविंग प्लेनेट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल प्लेनेट? नेपच्यून, पृथ्वी यानी अर्थ, बृहस्पति, जुपिटर, शनि और सैटर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह जो है ये भौमिक ग्रह का उदाहरण है। द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, असम, बिहार और मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में स्थित है चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम लोकेटेड? भारत, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत। विश्व के सर्वाधिक थोरियम के भंडार भारत में स्थित है। इंडिया हैज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द मेन प्रमोटर ऑफ ह्यूमैनिज्म? पॉप, पेट्रॉक, मार्टिन लूथर और सेंट पीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रॉक जो थे, पेट्रॉक वो मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। पेट्रॉक वाज द मेन प्रमोटर ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है या फिर काम कर सकता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्क्स इन हिज ऑफिस? 1, 3, 5 और 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव 5 वर्षों तक अपने पद पर काम कर सकता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्क इन हिज ऑफिस 4-5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह शब्द किसने कहे थे? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल स्टे बाई टेकिंग इट। हु सेड दिस वर्ड्स? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट था, ये बयान था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल स्टे बाई टेकिंग इट, बाल गंगाधर तिलक सेड दीज वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? हुज सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका वेतन जो है आयकर से मुक्त है, यानी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि द सैलरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पाइलंस जैसी दिखती हैं? विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टेम्पल्स रिजेंबल्स पाइलंस ऑफ इजिप्टियन टेम्पल्स? लाट, विमान, गोपुर और शिखर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपुर। गोपुर जो है वो भारतीय मंदिर की जो विशेषताएँ हैं ये मिस्र के मंदिरों के पाइलंस जैसी दिखती हैं। दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टेम्पल रिजेंबल्स पाइलंस ऑफ इजिप्टियन टेम्पल्स गोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीपीय को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिजुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप? कार्बेट पर्वत, कॉर्बेट माउंटेन्स, जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन्स, पायरनीज और मोंट ब्लॉन्क मेसिफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पायरनीज। पायरनीज जो है यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, पायरनीज माउंटेन सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर रिजेंबल्स ऑफ द नेशन इन द असेंबली ऑफ द लीग ऑफ द नेशन आउट ऑफ विच ओनली वन हैड द राइट टू वोट? 1, 3, 5 और 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होते थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में जो असेंबली है उसके सदस्य 3 होते थे, 3 राष्ट्र के प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था। देयर वेयर 3 मेंबर्स ऑफ द नेशन इन द असेंबली ऑफ द लीग ऑफ नेशंस आउट ऑफ विच ओनली वन हैड द राइट टू वोट। नेक्स्ट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अनुमानित आयु लगभग कितनी है? What is the approximate age of the earth? 3.5 अरब वर्ष, 3.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स और 2.5 बिलियन ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। 4.5 बिलियन ईयर्स इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्न में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? हु एमोंग द फॉलोइंग वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी बने थे। कुमारगुप्त प्रथम वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और लास्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है? हाउ मच डू कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैव टू स्पेंड ऑन देयर एक्सीलेंस? 10%, 20%, 30% और 40%। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि 40%। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर 40% खर्च करना होता है। The commercial banks in India have to spend on their excellence is 40%। अब फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में स्थित है? और इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? और राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पैलेस जैसी दिखती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीपीय को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? और राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? राइट आंसर ऑप्शन ए। और लास्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन हमारे रैपिड फायर के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम आईडी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे भी अच्छा लगे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।